अयोध्या में बजरंग बली का विश्व विख्यात मंदिर हनुमान गढ़ी स्थित है। हनुमान जी को अयोध्या का कोतवाल माना जाता है और कहते हैं कि हनुमान जी की आज्ञा लिए बिना कोई प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं कर सकता। दूर दराज से लाखों भक्त सालों से हनुमान जी की मंगला आरती में सुबह 4 बजे ही पहुंच जाते हैं। हम अयोध्या आए हैं श्री राम जन्मभूमि और हनुमान गढ़ी का। हनुमान गढ़ी में हम हर मंगलवार को लगभग 10 साल से आ रहे हैं दर्शन करने, और सुबह आरती में आते हैं। सुबह 4 बजे की मंगला आरती में हम हर मंगलवार को आते हैं। और हमको यहाँ आने पे आज पता चला कि ये जी आई टैग में ये प्रसाद यहाँ का जी आई टैग में लड्डू का वो हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ। इसके लिए हम लोगों बहुत गर्व की बात है, बहुत 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 गर्व की बात है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या आने वाले श्रद्धालु हनुमान गढ़ी का प्रसाद लड्डू अवश्य अपने साथ ले जाते हैं। पहला तो प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और दूसरा ये लड्डू, इन सभी को लेकर श्रद्धालुओं का क्रेज बढ़ रहा है। ऐसे में इस लड्डू को GI टैग मिलने से अयोध्या हलवाई संघ काफी प्रसन्न है। GI टैग मिलने के बाद ये लड्डू सिर्फ हनुमान गढ़ी का ही माना जाएगा। ये अयोध्या वासियों के लिए साथ साथ हमारे मुदनवाल समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि जैसे काशी में, मथुरा में GI टैग विभिन्न प्रसादों पे मिलता रहा है, वैसे हमारे GI टैग ये लड्डू भोग प्रसाद के लिए मिला है। ये अयोध्या के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को इसकी उपलब्धि? सरकार के लिए इसको बहुत बहुत कोटि कोटि आभार है। जो एक तरफ भगवान राम का मंदिर बन रहा है, दूसरी तरफ ये उपलब्धि मिली है, साथ ये सोने पे सुहागा वाली बात है कि जो जिस चीज का इंतजार हम लोग के समाज को बहुत दिन से था, वो राम मंदिर निर्माण के साथ ये पूरा भी हो गया। और पूरे विश्व में हनुमान गढ़ी का लड्डू का प्रसाद विख्यात था। हनुमान गढ़ी का लड्डू तो खैर हम लोग के दादा परदादा के जमाने से और जहाँ तक लोग आते हैं, यह हनुमान गढ़ी का लड्डू बहुत ही प्रसिद्ध है और लोग इसको दूर दूर तक लेके जाते हैं। और इसकी खासियत यह है कि लोग इसको बनाने का तरीका लोगों का भिन्न भिन्न है, लेकिन सबको अच्छा लगता है।